नमस्कार, नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास वीडियो में। वीडियो की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे के केस की। बता दें कि आकांक्षा दुबे मामले में लगातार पुलिस छानबीन कर रही है, लेकिन अफसोस अभी भी इस पूरे मामले में आरोपी के तौर पर देखे जाने वाले सिंगर समर सिंह का पुलिस कोई भी अता पता नहीं लगा पाई है, जिसकी वजह से परिवार के बीच खासा गुस्सा देखने को मिल रहा है। इस बीच आपको बता दें कि फेमस एक्ट्रेस अनुराधा सिंह ने आकांक्षा दुबे के केस से जुड़ा एक बड़ा खुलासा किया। दरअसल एक्ट्रेस ने आकांक्षा दुबे के निधन के बाद की ऐसी सच्चाई बताई है जिसे सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको बता दें, अनुराधा सिंह ने आकांक्षा दुबे के निधन से एक दिन पहले ही एक स्टोरी पोस्ट की थी, जिस पर कमेंट्स आने के बाद एक्ट्रेस को पता चला कि आकांक्षा दुबे का निधन हो गया है। हालांकि जब अनुराधा को आकांक्षा दुबे के निधन की जानकारी हुई, तब तक आकांक्षा के परिवार तक को आकांक्षा के निधन की जानकारी नहीं थी। आपको बता दें कि अनुराधा ही वो शख्स थी जिन्होंने आकांक्षा दुबे के परिवार को उनके निधन की जानकारी दी। अनुराधा ने हाल ही में एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि किस तरह से आकांक्षा के निधन के बाद पूरे परिवार बेहाल हो गया। एक्ट्रेस ने यह भी बताया कि आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे और उनके भाई की एयर फ्लाइट की टिकट्स भी अनुराधा सिंह ने ही की, जिसके बाद परिवार आकांक्षा के निधन के अगले दिन सुबह वाराणसी पहुंचा और आकांक्षा दुबे के शव को बरामद किया। यहां पर अनुराधा ने यह भी बताया कि उन्हें इस बात पर अभी भी भरोसा नहीं है कि आकांक्षा दुबे इस तरह का कोई कदम उठा सकती है। उन्होंने कहा कि आकांक्षा हमेशा से ही काफी ज्यादा खुश थी, अपने करियर को लेकर काफी सीरियस और पैशनेट थी। मैं इस बात पर भरोसा ही नहीं कर सकती कि आकांक्षा कोई ऐसा कदम उठा सकती है। इसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि आकांक्षा दुबे के फ्यूनरल में भी कोई ऐसा शख्स नजर नहीं आया। जो लोग आकांक्षा के फ्यूनरल में शामिल होने के लिए आए भी, वो इतनी जल्दी चले गए कि कहीं उन्हें मीडिया कैप्चर ना कर ले। बात करें अगर केस की, तो आपको बता दें कि पुलिस लगातार फरार समर सिंह की तलाश कर रही है, लेकिन अफसोस अभी भी समर सिंह पुलिस के हत्थे नहीं लग पाया है। फिलहाल के लिए इस खास खबर पर इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइफ।